मैं फैसला था कि आपके दिल में शक होता है कि ये आपका रिटर्न कर रहा है या कर सकता है, और इसके अलावा आपने बाद एप्लीकेशन जो आपने मोबाइल में आपने एक्सेस की होती है, इस तरह की आपने अपने मोबाइल में जो है फेसबुक जो है वो एक्सेस की, लॉगिन की, या कोई भी बैंकिंग ऐप है जो आपके आपने उसमें जो है वो लॉगिन की है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उसका ओटीपी जो है वो लॉक स्क्रीन पे शो हो जाता है, तो इसका डर होता है कि कोई आपका मैसेज पढ़ सकता है या आपका ओटीपी पढ़ सकता है। इसके लिए कुछ सेटिंग लिहाजा हुआ, उसको ऑफ करेंगे तो आपका डेटा हैक नहीं हो सकता। सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से जाकर नीचे करेंगे, उसके बाद सेटिंग ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद हम नीचे जाएंगे नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन जैसे ऑन होता है तो हमारे साथ नीचे देखें नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन पे हम ओके करेंगे। जैसे नोटिफिकेशन को ओके करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की कुछ सेटिंग शो हो जाएगी। नीचे देखें लिखा हुआ नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इसको ओके करेंगे हम। इसको डोंट शो नोटिफिकेशन जो है लगा देंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे सामने कौन सी सेटिंग है। हम यहाँ से सबसे पहले इसको सेटिंग को ओके करेंगे। सेटिंग ओके करने के बाद लोकेशन जो हमने ऑन कर दी है, लोकेशन करने के बाद नीचे लिखा हुआ है वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्क्रीनिंग। यहाँ से इसको हम जो है ऑफ, दोनों सेटिंग जो है हम ऊपर वाली नीचे वाली दोनों ऑफ कर लेंगे और ये बचेंगे। उसके अलावा जो यहाँ से आप आगे चलते हैं जी, हमारे सामने कौन सा सिस्टम है। हम यहाँ से ऑन करेंगे सेटिंग ऐप इन नोटिफिकेशन की। इसमें ये है कि बात फैसला होता है कि हमने बहुत सारी ऐसी जो एप्लीकेशन है उसमें हमने परमिशन जो है दी होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ से उन चीज़ों को हम कर सकते हैं, यानी उन चीज़ों की सेटिंग जो हम बंद कर सकते हैं, परमिशन बंद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन को खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर जो है ये CR179 जो नीचे ये ब्लू कलर की नजर को ओके करेंगे। उसके बाद ऊपर सर्च बार पर जाएंगे। सर्च बार में कोई भी एप्लीकेशन मसलन फेसबुक जो है फॉर एग्जाम्पल इसको सर्च करेंगे। फेसबुक सर्च करने के बाद यहाँ से नीचे देखेंगे कि हमने कौन कौन सी इसको जो है हम दी हुई हैं परमिशन एक्सेस दी हुई है। यहाँ से अलाउ और डिनाइड, तो हम नीचे डिनाइड जो उसको देखते हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पर कैलेंडर है तो हम इसको डिनाइड किया हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं कौन सी है जी लोकेशन, इसको मैंने एक्सेस नहीं किया हुआ। कॉन्टैक्ट दूसरे नंबर पे, इसको मैंने एक्सेस नहीं किया हुआ। और फ़ोन, और ये जो सेटिंग्स है मैंने सबको डिनाई किया हुआ है, इनको मैंने एक्सेस नहीं दिया हुआ, अलाउ नहीं किया हुआ। ऊपर जो कैमरा, माइक्रोफोन और उसके अलावा स्टोरेज जो तीन सेटिंग्स हैं इनको मैं लॉक किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि इनकी अक्सर जरूरत पड़ती रहती है, जिस तरह कैमरे के जरिए फोटो सर्च करते हैं, माइक्रोफोन के जरिए आपको रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ती है, मैसेंजर के ऊपर स्टोरेज में या क्या चीज़ें सेव करते हैं। तो इस तरह की जो और भी जितने आपके ऐप हैं उनको आप खोल के उसकी जो है वह आप चीज़ें यहाँ से परमिशन जो आप कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे सामने कौन सा ऐप है, उसको हम सर्च करेंगे, चेक करते हैं कि कौन सा ऐप है, फिर उसको ऐप को खोलेंगे, उसकी जो है परमिशन जो जिसकी ज़रूरत नहीं है हम उसको यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। हमारे सामने एक एप्लीकेशन है क्लैप टू फाइंड, तो अब जो है हम क्लैप टू फाइंड को यहाँ से ओके करेंगे, खोलेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए इसकी परमिशन लिखा हुआ है, परमिशन को हम यहाँ से इसको खोलते हैं। बल्कि इसकी स्क्रीन खोलने के बजाय में इसकी बात जरूरत नहीं पड़ती, तो क्लियर डेटा स्टोरेज में जाएंगे तो जिसकी इसकी परमिशन होंगी खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है दोबारा इसको खोल के आप जो भी इसकी आपकी ज़रूरत होती है परमिशन की आप उसको परमिशन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे सामने जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब हमारे सामने चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट के लिए